गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बैंक के कार्य, उनके प्रकार तथा बैंक के महत्व के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अनुसूचित बैंक होता है, और दूसरा क्या होता है, गैर अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक क्या है? अनुसूचित बैंक से आशय उन बैंकों से है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित इन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। निम्न शर्तों को पूरा करने पर ही रिजर्व बैंक उसका नाम द्वितीय अनुसूची में शामिल करता है। अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? ये वे बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार उनकी द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। किसी बैंक का नाम अनुसूची में शामिल होने के कारण ही ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इस सूची में किसी भी बैंक का नाम तभी शामिल किया जाता है जब वह बैंक भारत में अपने जमाकर्ताओं के हित में कार्य करता हो और उसके द्वारा प्रदत्त पूंजी रक्षित कोष सहित 5 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। विद्युतीय अनुसूची में शामिल करने की शर्तें क्या हैं? कि वह बैंक भारतीय कंपनी विधान 1956 अथवा अन्य किसी ऐसे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। उस बैंक की प्रदत्त पूंजी या रक्षित कोष 5 लाख या इससे अधिक होना चाहिए। उसका कार्य जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध ना हो और वह देश में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो। अनुसूचित बैंकों के दायित्व। अनुसूचित बैंकों के क्या दायित्व हैं? सबसे पहला दायित्व है नगद कोष रखना। ऐसे बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कम से कम 3% नगद रूप में रिजर्व बैंकों के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऐसी जमा राशि की 15% तक बढ़ा सकता है। इसमें क्या होता है, बैंक की कुल जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत नगद रूप में रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक इसे 15% तक बढ़ा भी सकता है। फिर नेक्स्ट है साप्ताहिक विवरण भेजना। प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एक साप्ताहिक विवरण भेजना पड़ता है। विवरण ना भेजने पर बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना पड़ता है। इसमें क्या करता है, अनुसूचित बैंक हर सप्ताह बैंक को रिजर्व बैंक को एक विवरण भेजता है। फिर अनुसूचित बैंकों को प्राप्त विशेष सुविधाएँ। अनुसूचित बैंकों को और कौन कौन सी सुविधाएं मिली है? इन बैंकों को रिजर्व बैंक से आवश्यकता अनुसार ऋण मिल सकता है। यानी कि अगर अनुसूचित बैंकों को ऋण की आवश्यकता है तो वो रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं। फिर सेकंड है, इनके द्वारा प्रस्तुत बिलों को रिजर्व बैंक द्वारा पुनः कटौती की जाती है। थर्ड, जब बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजनी होती है तो रिजर्व बैंक उन धनराशियों को निःशुल्क भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि उन धनराशियों को भेजने पर कोई भी शुल्क अनुसूचित बैंक को नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट है, जिस समय कोई अनुसूचित बैंक विशेष संकट की स्थिति में होता है उस समय रिजर्व बैंक उसे विशेष सहायता देता है। यानी कि कोई अनुसूचित बैंक है वो किसी संकट में हो तो रिजर्व बैंक उसे सहायता भी देता है। फिर नेक्स्ट है, सभी अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। यानी कि जितने भी अनुसूचित बैंक हैं वो सारे के सारे समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। फिर भारत में अनुसूचित बैंक। भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की शाखाएं कई हैं, जिसमें कि पहली है भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंक की 21,301 शाखाएँ हैं। फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों की 54,478 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों की 16,001 शाखाएं हैं और विदेशी बैंकों की 334 शाखाएं थीं। सभी अनुसूचित बैंकों की कुल 92,114 शाखाएं थीं। फिर नेक्स्ट है गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका उल्लेख रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता। ऐसे बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग 5 लाख से कम होता है। इन बैंकों को रिजर्व बैंक से वे सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंकों को होती हैं। गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है, जिनका कि नाम भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक कोई भी सुविधा नहीं देता, लेकिन इन बैंकों के लिए भी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है और तथा इनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का कुल योग 5 लाख से कम होना चाहिए। ये बैंक भी कुछ शर्तों का पालन करते हैं। ये शर्तें क्या हैं? पहली है नगद कोष रखना। बैंकिंग नियम अधिनियम के अनुसार एक गैर अनुसूचित बैंक को भी नगद कोष संबंधी शर्तों को मानना पड़ता है।
किंतु इस कोष को ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य नहीं होते, वरन वे इस राशि को अपने पास रख सकते हैं। नगद कोष के रूप में अपने पास है रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक अथवा रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए गए अन्य बैंक के पास रखना होता है। ये बैंक अपने कुल जमाओं का कम से कम 3% नगद कोष के रूप में रखते हैं। यह कोष अपने पास रिजर्व बैंक या किसी भी रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त किए गए बैंक के पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है मासिक विवरण भेजना। ऐसे बैंक को एक मासिक विवरण भी रिजर्व बैंक के पास भेजना होता है, जिसमें उसे अपने नगद रक्षित कोषों तथा मांग एवं समय दायित्व का ब्यौरा देना होता है। ऐसे बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक के पास हर महीने एक विवरण भेजते हैं और उस विवरण में उनके द्वारा जितने भी नगद कोष हैं, जितने मांग है या दायित्व हैं, उनका विवरण देना होता है। फिर नेक्स्ट है असमान परिस्थितियों में ऋण। ये बैंक समान उद्देश्यों हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते, किंतु असमान परिस्थितियों में ये रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन्हें ऐसे ऋण नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ असमान परिस्थितियाँ होने पर यह रिजर्व बैंक से ऋण मिल सकता है। 30 जून 2010 को गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 45 थी। फिर नेक्स्ट है संगठन के आधार पर व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।